नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सरकार ने महिलाओं को दी नई सौगात, ऐप के जरिए दर्ज करवा सकती है कोई भी शिकायत। कांग्रेस का बड़ा झटका, पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी या नहीं, बहुत कुछ तय करे देगी ये इस राज्य के चुनावी नतीजे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को दी नई सौगात, ऐप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं कोई भी शिकायत। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के में महिलाओं को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य महिला आयोग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगी। जी हाँ, आयोग ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला में महिला आयोग की स्मारिका एवं ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने लॉन्च किया है। जी हाँ, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को महिलाओं को अधिकार संपन्न, सुरक्षित, सशक्त बनाने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आज हो रहे अपराधों के पीछे गरीबी, अशिक्षिका, अज्ञानता है। मानव तस्करी को रोकने में आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सरकार काम कर रही है। जी हाँ, पुलिस अधिकारियों की सजगता से मानव तस्करी में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इतना काफी नहीं है, मानव तस्करी होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, साइबर क्राइम भी बढ़ता रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भोले भाले लोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें जागरूक किया जाए। हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमने छोटी छोटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं लागू कर रही है। कोरोना काल में लोगों का राहत देने के लिए चावल वितरण के साथ मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए गए। लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने समूह के माध्यम से कार्य योजना बनाई गई है। आज महिलाएं गौठानों में वर्मी कंपोस्ट पेट बनाने और साग सब्जी का उत्पादन कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही है। जी हाँ, इसी तरह ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने रिपा की स्थापना की जा रही है। इससे पारंपरिक कार्यों के साथ नए कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। समाज को आगे और आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए विधिक जानकारी जरूरी है। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि समय के अनुरूप महिलाओं और बच्चियों को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग ने राज्य के सभी जिलों में सुनवाई करते हुए प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया। आयोग ने प्रशासन के सहयोग से सभी कार्यों को सफलतापूर्वक किया। कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस से दिया इस्तीफा, भाजपा में शामिल होने की संभावना। जी हां, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नल्लारी किरण कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। जी हाँ, फिलहाल उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। चित्तूर जिले से 4 बार विधायक रहे किरण कुमार ने वर्ष 1989 में अपने राजनीतिक पारी शुरुआत की थी। तब उन्होंने वायलपाड़ू से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। फिर उन्होंने वर्ष 1999 और 2004 में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और बाद में 2009 में पिलेरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। किरण कुमार के पिता अमरनाथ रेड्डी भी बड़े कांग्रेस नेता थे और उनकी पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और नरसिंह राव से काफी करीबी थी। जी हाँ, वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुर्घटना में मौत होने से पैदा हुए नाटकीय घटनाक्रम के बीच किरण कुमार ने 2010 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की बागडोर संभाली। तब चल रहे तेलंगाना राज्य के आंदोलन के समय उन्होंने 16वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह नीत सरकार द्वारा पारित किए
गए संयुक्त आंध्र प्रदेश के बंटवारे यानी तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश प्रदेश पुनर्गठन बिल के विरोध में किरण कुमार रेड्डी ने 10 मार्च 2014 को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। जी हाँ, यही नहीं, केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के। साथ ही किरण कुमार से ने कांग्रेस से भी दूरी बना ली और सक्रिय राजनीति में रहने के लिए उन्होंने अपना अलग राजनीतिक संगठन जय समेक्स आंध्र खड़ा किया। जी हाँ, हालांकि नई पार्टी के साथ लड़े लोकसभा चुनाव में उन्हें निराश ही हाथ लगी। उनकी पार्टी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी, जिस कारण वर्ष 2018 में उन्होंने नवगठित पार्टी को भंग कर दिया और एक कारोबार फिर कांग्रेस का रुख किया। दूसरी ओर किरण कुमार के कांग्रेस से अलग होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने उनके इस कदम का स्वागत किया। भाजपा सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह किरण कुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी हां, भाजपा की ओर से उन्हें पार्टी में उचित पद और सम्मान का आश्वासन दिया गया है। पीएम मोदी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी या नहीं, बहुत कुछ तय कर देंगे इस राज्य के चुनावी नतीजे। जी हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहा है वो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। इसी साल के आखिरी तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। जी हाँ, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चारों राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति की तस्वीर साफ कर देंगे। कांग्रेस के सामने ये वर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही पार्टी पीएम मोदी को टक्कर देने के लायक बची है या नहीं ये भी तय हो जाएगा। जी हाँ, कांग्रेस के इस इम्तिहान की शुरुआत दक्षिण से होगी जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक नतीजे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में है मनोवैज्ञानिक असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर भी उसके असर देखने को मिल सकता है। दरअसल दक्षिणी राज्य में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। तीसरी ताकत यहाँ DGS भी है जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। जी हाँ, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और CM बसवराज बोम्मई है। इस राज्य में कांग्रेस अगर चुनावी जीतती है तो एक बूस्टर डोज तो मिलेगा ही, साथ ही विपक्ष में वो एक बार खुद को मुख्य दल साबित करने का मौका मिल सकता है। कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस राज्य में कांग्रेस को हरा कर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। जी हाँ, बीजेपी ने राज्य के अपने सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को 17% आबादी वाले लिंगायत समुदाय के लोगों से संवाद स्थापित करने में लगा दिया है। जी हाँ, हालांकि येदियुरप्पा ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की भी घोषणा की है, लेकिन पार्टी के लिए सक्रिय रहने की भी बात कही है। दूसरी ओर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जरिए विकास कार्यों के प्रचार की रणनीति बनाई है। जी हाँ, 12 मार्च को ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। लिंगायत वोटरों को लुभाने के लिए BS येदियुरप्पा के तैनातगी पर कांग्रेस की ओर से चुटकी भी ली गई है। पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि BS येदियुरप्पा को उनके भ्रष्टाचार के चलते इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए या फिर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उनका सम्मान कराया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस भी लिंगायतों को लुभाने के लिए आक्रमण रणनीति पर काम कर रही है। जी हाँ, पार्टी ने इस समुदाय से आने वाले नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। MP पाटिल, लक्ष्मी हेबालकर, विजयनंद विनय कुलकर्णी, शिवानंद पाटिल और यशवंतराव पाटिल शामिल है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने पंचशाली लिंगायतों का अपमान किया है, इससे लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस इस समुदाय से आने वाले लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देगी। जी हाँ, वही कांग्रेस ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष DK शिवकुमार को वोकालिंगा समुदाय के लोगों को पाले में करने की जिम्मेदारी दी है।
इस समुदाय का कुल आबादी में हिस्सा 14% है। जी हाँ, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कुछ कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है, जिसमें गृह लक्ष्मी स्कीम योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीने देने की गारंटी है। गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक फ्री बिजली। अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए 10 किलोग्राम राशन फ्री देने का वादा किया गया है। जी हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 सूत्रीय चार्टर के तहत कई वादे किए गए हैं। तटीय इलाकों के लिए 10 वादे, 1 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए नए कपड़ा, इंडस्ट्री लोक लुभावन वादे पार्टी की ओर से किए गए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा उठाया जाए। जी हाँ, लेकिन पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और प्रदेश अध्यक्ष बी के शिव कुमार के खेमे शामिल है। जी हाँ, कांग्रेस आलाकमान इसको लेकर चौकन्न है। कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहना है कि राज्य को 40% कमीशन वाली सरकार के फंदे से निकालना है। हमारे सभी नेताओं ने अर्जुन की तरह लक्ष्य साथ रखा है। जी हाँ, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि हमारे अभियान को मजबूत कर रही है। सुरजेवाला की बातों से साफ है कि वो प्रदेश में पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी को ज्यादा तवज्जो न देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, गुटबाजी के अलावा कांग्रेस के सामने राज्य की 17% अल्पसंख्यक आबादी के वोटरों को भी अपने पाले में खींचने हैं। हिजाब विवाद के दौरान कांग्रेस की ओर से ज्यादा इस पर कुछ भी नहीं बोला गया था। जी हाँ, माना जा रहा है कि इसको देखते हुए मुस्लिम वोटर इस बार जनता दल सेक्युलर DGS की ओर रुख कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि DGS ने हाल ही में कांग्रेस के कदावर नेता रहे CM इब्राहिम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि एक मुस्लिम चेहरा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।